तो क्या डार्क वेब को अपने स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकता है? क्या हम डार्क वेब को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से या आईओएस वाले स्मार्टफोन से चला सकते हैं? क्या डार्क वेब को हम स्मार्टफोन में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करके वहाँ पर चला सकते हैं? तो जी हाँ यार, इसका आंसर है हाँ। तो यहाँ पर हम इसे कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या ये करना ठीक है? क्या टॉर को इंस्टॉल करके अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डार्क वेब को एक्सेस करना ठीक रहेगा? क्या ये सेफ है? कितना सेफ है? क्या रिस्क है? सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी विकास, और आपको स्वागत करता हूँ हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ, आप टॉर को बहुत ही आसानी से अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में या किसी भी स्मार्टफोन में यार एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली टॉर ने एक प्रोजेक्ट चलाया था कि उसका जो टॉर ब्राउज़र है वो एंड्रॉयड में भी रन करे। और जहाँ पर आपको करना क्या है, वहाँ पर उसके कुछ ऐप्स आते हैं जैसे कि ऑरबॉट, और ये सब आपको गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल देखने मिल जाएंगे। और जहाँ पर अगर आपको मान लीजिए एक लैपटॉप कंप्यूटर में करना है, तो वहाँ पर आप टॉर डाउनलोड लिखोगे और वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएगी लिनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, और बाद में वहाँ पर विंडोज़ के लिए और एंड्रॉयड के लिए भी। तो ऐसे वहाँ पर आप इसे अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हो। बट क्या ये सेफ है कि आप टॉर को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में रन कराएं या किसी भी स्मार्टफोन में, मैं आईओएस को भी यहाँ पर ले रहा हूँ, तो क्या ये सेफ है? तो सबसे पहली बात तो यार, आईओएस में अगर आप उसे रन कराते हो तो थोड़ा सा कम रिस्क होगा, लेकिन रिस्क ज़रूर होगा। और जहाँ पर अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ एंड्रॉयड के बारे में, तो यार मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। और अगर आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में टॉर ब्राउज़र को रन कराओगे तो वहाँ पर यार कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो यार लैपटॉप में जैसे कि आप ओपन करते हो, तो वो पहले छोटे से विंडो में ओपन होता है, और जहाँ पर एक रूल है कि उसे आप बड़ा ना करें, क्योंकि अगर आप उसे बड़ा करोगे तो वहाँ पर आप एनोनिमस हो, आपकी डिटेल किसी के पास नहीं है। बट वहाँ पर अगर आप उस विंडो को बड़ा कर दोगे तो आपका स्क्रीन साइज़ पता चल जाएगा सामने वालों को, और जहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे हैकर्स भी होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, आगे होते हैं, और जहाँ पर वो आपको फंसा सकते हैं, आपकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यार एक स्क्रीन साइज़ की भी डिटेल वहाँ पर निकल जाती है, तो वहाँ पर वो लोग और भी डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए। और अब आप वहाँ पर स्मार्टफोन में अगर इसे ओपन करोगे तो पूरी विंडो पे ही ओपन होगा, और इसलिए यहाँ पर स्मार्टफोन में आपको ऐसे भी पता है कितने वायरसेस आ जाते हैं इजिली। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में बहुत कुछ हो जाता है, वहाँ पर हो सकता है कुछ वहाँ पर वेबसाइट्स ऐसी हों जो वहाँ पर आपके स्मार्टफोन में वायरस डाल दें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेलिशियस कोड आ सकता है, कोई भी मैलवेयर आ सकता है। वहाँ पर जो हैकर्स होंगे वो एक दूसरे को ही हैक करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वहाँ पर शायद आपका नंबर लग जाए और जहाँ पर आपका जैकपॉट खुल जाए, कुछ भी हो सकता है यार। और जहाँ पर अगर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर बड़े बड़े यार टेक कंपनी के लोग भी हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ओएस को ही नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर कैसा है। वो खुद कह चुके हैं कुछ लोग, मुझे नाम नहीं याद है किसी का, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने कहा है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर घटिया है, मैं खुद जानता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा भी कहा है। और जहाँ पर मार्क जकरबर्ग की बात करूँ, तो वहाँ पर उनके लैपटॉप पे जो कैमरा है वहाँ पर वो टेप लगा कर करके रखते हैं, क्योंकि अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करते हो तो वहाँ पर आपका जो आगे का फ्रंट कैमरा है लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर का वेब कैम है, वो वहाँ पर हैक हो सकता है, और वहाँ पर आपकी फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। वहाँ पर लोगों की हिस्ट्रीज बिकती हैं, जैसे कि अब मान लीजिए आप कोई फेमस पर्सन है, तो लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या सर्च करते हैं, तो वहाँ पर हिस्ट्री बिकती है, तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आप मेरी मानो तो स्मार्टफोन में आप उसे एक्सेस ना करें जितना हो सके उतना। और मान लीजिए आप अगर उसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वहाँ पर आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं डार्क वेब को, तो भी वहाँ पर अगर आपको अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसे एक्सेस मत करना, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ डार्क वेब ये है वो है, ऐसे चलता है टॉर ब्राउज़र की, आप वहाँ पर रूल्स गाइड पढ़ लेना, तो अगर आपको पता है तब वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से। तो यहाँ पर मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन से डार्क वेब को एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे ये भी पता है कि यार मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में 4 से 5 स्मार्टफोन होते हैं, लेकिन एक लैपटॉप नहीं होता है, मैं बात जानता हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, 30 लाइक्स का लाइक टारगेट रखता हूँ यहाँ पर, इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बस इतने थे इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।